हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सभी एकदम ठीक है। और अभी हम लोगों की लाइव क्लास कंप्लीट हुई है और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे। दीदी बोलती है जल्दी से सब लोगों को बता दे कि लाइव क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करने वाले हैं। आज कटिंग दीदी ने बताई थी, कल मैं स्टिचिंग बताऊंगी। कल मेरी बारी है दीदी, कल मैं भी नर्वस होंगी तुम्हारी। अब पता नहीं मुझे, मैं तो बहुत नर्वस थी प्रीति। पता है मैं फर्स्ट बारी कर रही थी ना, मुझे लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था यार प्रीति सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैं तो सोच रही थी। बता रहे थे सब, कर रहे थे हाँ डन है सब डन। तो फिर मुझे धीरे 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 लगने लगा कि हाँ फिर आ रहा है सबको समझ में। क्यों रिप्लाई मिलता है ना दीदी, पता चलता है कि हाँ सबको समझ आ रहा है। तो अभी हम लोगों की क्लास एंड हो गई है। बहुत मिला हाँ, सब लोगों ने थोड़ा करा प्रीति ना। हाँ सब लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ अच्छा बता रहे हो, तो खुशी हो रही थी। खुशी भी थी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना उससे कि हाँ सबको पता चल रहा है। इसलिए तो अभी बढ़िया हमने क्लास तो ले ली है। अब मुझे बहुत तेज प्यास भी लगने लगी है, मैं जा रही हूँ चलो अभी जाती हूँ ना प्रीति। ये यहाँ पर बॉटल में ना गर्म पानी हो गया, मैं सोच रही हूँ नीचे जाके ठंडा पानी पी कर आती हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया दीदी पी लो जाओ पानी। अभी बढ़िया थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी नीचे। और अभी मैं करने वाली हूँ कपड़े स्ट्रेच, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तो थोड़े थोड़े कर कपड़े स्ट्रेच करना है। तो गुड़िया ने तो स्ट्रेच करके और प्रेस प्रेस करके भी रख दी है बढ़िया। तो अभी मैं ना सोच रही हूँ ये पर्पल वाला सूट बहुत दिनों से रखा है तो इसकी वीडियो भी शूट करना है, तो इसको ही कंप्लीट कर लेती हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों से रखा है। फ्रेंड्स इसकी कटिंग तो मैंने कम से कम 15 दिन पहले की होगी। तो अब मैं यही सोच रही थी इसकी रील भी बनाना है, इसलिए मेरा इसलिए और मन नहीं हो रहा था इसको स्ट्रेच करने का, नहीं तो अभी तक तो मैं कब का कर कर रख फेंक देती इसको। तो पर अभी ना मैं जल्दी से इसकी रील भी बना लेती हूँ और इसको स्ट्रेच भी कर लेती हूँ। अच्छा रहा मम्मी आप नाश्ता लेकर आ गई, पता है मुझे तो भूख भी लगने लगी थी प्रीति और मुझको दोनों को। प्रीति तुम्हें भी लग रही है, तुमने वो क्या कहते हैं लाइव वीडियो बना बना तुम्हारी भूख की एलर्जी हो गई, एलर्जी खत्म हो गई। हाँ वही वही मम्मी यही कहना चाह रहे हैं, एनर्जी खत्म हो गई और भूख लगने लगी हुई। हाँ बच्चों वाला नाश्ता कर लो अभी फिलहाल। तो मम्मी हम बच्चे ही तो है, अभी यही नाश्ता करेंगे ना और क्या करेंगे। कटोरियाँ भी है, पानी पी लेना भर के इनमें। हाँ वो तो मम्मी इस गिलास में भर के पियेंगे ना, कटोरी में तो खाना खाएंगे। इधर से डालोगे इधर से निकलेगा। अरे प्रीति जैसे अपन बचपन में करते थे ना वैसे ही करेंगे। हाँ अभी मैं ये वाली ड्रेस बना रही हूँ। चलो अभी बढ़िया हमारा नाश्ता तो हो गया। गुड़ी मैंने कैसे सिखाया सबको, तूने तो देखा था ना लाइव, कैसे देख रही थी। बिल्कुल दीदी जब से स्टार्ट हुआ था ना बिल्कुल लास्ट तक देखा मैंने तो। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा था दीदी। हाँ, मुझे मजा आ रहा था, सब लोग कमेंट कर रहे थे ना कि हाँ हाँ दीदी समझ आया तो ऐसे करके आ रहे थे बनके, और मतलब सब लोग का रिप्लाई मिल रहा था ना तो उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा लोग समझ आ रहा है। हाँ तुरंत अगर कोई कमेंट करता है बोलता है ऐसा दीदी। पता एक बात बता दीदी, पता जब यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते ना तो कैमरे में ऐसे बोलते रहते हैं देखते रहते हैं, लगता है पागल हो गए कि मुझे चिल्लाया जा रहा है। पर पता है जब मतलब क्लास चल रही थी ना तो क्लास में ऐसा लग पता था कि स्कूल में जैसे टीचर सिखाते हैं ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। हाँ वैसे फीलिंग आ रही है। तो दीदी मैडम जी बन गई। और पता है सब लोग बोल रहे थे हाँ दीदी समझ आया, जो कुछ समझ नहीं आया तो वो डाउट भी पूछ रहे थे। हाँ। और सब लोग बोल रहे थे क्लियर है और हाँ ये वाली चीज फिर से बता दो, फिर मतलब वो चीज क्लियर कर दी दीदी ने। फिर सब लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा समझ में आया, सब लोगों को अच्छा लगा, सब लोगों ने सपोर्ट भी किया दीदी, तो मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब बल्कि लाइव ज्यादा अच्छा लग रहा था, ज्यादा मजा आ रहा था। हाँ अपन जैसे YouTube पे वीडियो डालते हैं ऐसे रिकॉर्डेड करके तो उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आता ना। हाँ 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 वही चीज, पता है क्यों? क्योंकि उसमें ना रिप्लाई नहीं मिलता ना तो समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आया। तुरंत तो वो चीज हो रही थी ना कि अगर अपन ने कोई चीज बता दी तो तुरंत रिप्लाई आ रहा था कि समझ में आया कि नहीं आया, और उसमें ऐसा रहता है कि अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को कर रहे हैं अपनी मर्जी से करते जाते हैं, फिर अपन खुद सोच लेते हैं यार पता नहीं कैसा समझ में आएगा, अपनी मर्जी से अपन को जो जो अच्छा लगता है अपन वो बता देते हैं। हाँ वही वही चीज है। हाँ और पता है यहाँ पे क्या था ना इसमें क्लास में कि सब लोग बता रहे थे कि हाँ हमें वो चीज समझ में आ गई, हमें नहीं आई मतलब जो कुछ नहीं आया, तो फिर उसको दोबारा से भी दीदी ने बताया, फिर लोगों ने बोला कि हाँ क्लियर है बिल्कुल, तो फिर अच्छा लग रहा था और मतलब ऐसा लग भी रहा था, मजा आ रहा था सीधी बात। अच्छा आप लोगों में किस किस ने देखा कमेंट करो है ना दीदी। हाँ कमेंट करके बताओ आप लोगों ने किसने देखा और कैसा लगा आप लोगों को। हाँ क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आज लाइव क्लास करके, और पता दीदी जब अपनी डेली क्लास आया करेंगे ना तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ गुड़िया स्कूल खुल जाएगा दीदी अपने यहाँ तो ऑनलाइन खुल गया गुड़िया अपना स्कूल। हाँ कटिंग स्टिचिंग वाला स्कूल। पीयूष कहाँ जा रहा है, तुम ये दाल पिसवा के ला रहे हो? हाँ पता है देखने मम्मी के हाथ में क्या है। क्या है मम्मी आपके पास? नहीं आ रही है। आँख बंद करें क्यों? आँख बंद करो फिर देंगे हम। ले पता नहीं ऐसे थक गई मेरा तो यहाँ से उठने ही मन नहीं हो रहा। फिर कटिंग स्टिचिंग बढ़िया बैठ जाओ। कटिंग तो आपने बताई, मैं क्यों थक गई यार? अरे यार देखो प्रीत कैमरा भी देखना पड़ता है, वो फर्स्ट टाइम ही हो तो इंसान थोड़ा नर्वस भी हो जाता है। नर्वस होने से थक जाते हैं क्या? हाँ हो सकता है थक गई हो इसलिए। मैं तो नहीं थकी, मुझे तो नहीं लग रहा मैं थक गई हूँ जैसे।
लेकिन मैं बैठ के तुमको देख रही थी ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा। हाँ, किसी दूसरे इंसान को देखते रहो ना तो फिर बल ऐसा लगने लगता है यार जी दिमाग खराब सा हो गया। नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, मुझे तो अच्छा लगा। बस ये थोड़ा सा कि अब फर्स्ट टाइम था ना, तो ऐसा लग रहा है कि आंखें दुखने लगी हूँ। अरे पता है तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? अपन रात को कितने बजे सोए थे बताओ? बताओ कितने बजे सोए? अपन तो 2:30 या 3:30 बजे ढाई बजे हम लोग सोए थे और सुबह 7 बजे उठ गए थे। हाँ, कितनी सी देर सोए? चिंता में हमारी जिंदगी लगी, 2 बजे तक जिंदगी लगी थी। दो बार तो ऊपर देख रहे हम लोगों के चक्कर में मम्मी पापा भी अच्छे से नहीं सो पाते और हम लोग सोए कितनी देर? 5:30 घंटे 5 घंटे भी नहीं हुए प्रीति। तो अब थकान तो लगेगी ना। तभी तो सोचो यार आंखें क्यों दुख रही यार मेरी। अभी ना देखो फिर शाम तो हो ही गई है, अब जल्दी से तुम लोग थोड़ी देर और रुक जाओ, शाम वाम हो जाए फिर सब खाना वाना खा के और जल्दी सो जाना। दीदी अभी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शूट करना पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना है ना, इसलिए मेरी आंखें भी ज्यादा अजीब सी हो रही है, रेड रेड है ना। मम्मी कुछ लेके आई हूँ मम्मी, और मम्मी ये तो रंग लग रहा है, कलर ले आई हूँ। तो हमने देख तुम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा इसलिए हमें ले चली सिंदूरी कलर। ये कैसा कलर है प्रीत देखना? तो अच्छा तो है, अच्छा लगेगा। एक हमें ग्रीन वाला क्यों नहीं लेके आई? आप रेड भी नहीं लाई हो, ये कौन कौन से कलर लेके आ गई? पिंक तो अच्छा है ना? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, येलो वाला भी अच्छा है। मैं यही तो बोल रही थी सिंदूरी मिंदूरी से कलर लेके। ये वाला तो ठीक है पर इसकी जगह ना आपको रेड लेना चाहिए था मम्मी। हाँ, और रेड ग्रीन तो लिया ही नहीं, और ब्लू भी नहीं लिया इनने। हाँ, नहीं ब्लू नहीं, ब्लू से ना बेकार दिखने लगता, वो बहुत ज्यादा मैं कर देता है खराब। एक तो बेचारी लाई, सारे लेके भी आए और ड्रेस बहाने बना रहे जो मिल गए वो ले आए। हाँ, उनको दिखी नहीं होंगी उतने, पीस कर लो जल्दी चलो ले जाना। तो चलो ठीक है, तो अपन चलेंगे शॉपिंग करने, अपन ले आएंगे ग्रीन कलर और रेड कलर। रेड कलर हाँ, शॉप पे मिले थे इतने कलर, और बाकी कलर उनके पास खत्म हो गए, दूसरी जगह गए नहीं है। तो जी एक जी तुम्हारा, एक जी तुम्हारा, एक जी गिटलिया का, गुड़िया का मतलब, एक छोटू का नहीं, एक जी ध्रुव का, एक जी पीयूष का। हाँ, मम्मी ने सबके लिए रख दिए एक एक। मम्मी फिर आप क्या लगाओगी? अब जो तुम लेके आओगी ना रेड कलर, वो हमारा और ग्रीन वाला पापा का। ग्रीन वाला पापा का, देखो देखो जरा। चलो ठीक है, मोरे से फिर भी ठीक है, मतलब मैं वो मेरे पास भी अच्छा कलर आया, देखो अच्छा दे दिए। चलो अच्छा है, गुड़िया को दिया मम्मी को सिंदूरी कलर, गुड़िया के लिए तेरे लिए सिंदूरी कलर लेके आई है। ऑरेंज कलर है प्रीति, ऑरेंज थोड़ा सा लाइट में है। हाँ, येलो शेड में थाली में डाल के सब मिक्स कर लो, सब इकट्ठे हो जाएंगे फिर आप लो सब के नहीं बचेंगे। हाँ, पूरा एकदम कचरा बन जाएंगे प्रीति फिर तो वो। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जो भी ले आएंगे वो भी अच्छे हैं, और वो रेड और ग्रीन भी ले आएंगे। दीदी मैं इसमें से कौन कौन से कपड़े स्टिच कर दूँ? अरे प्रीति मैं तो ये पर्पल वाला स्टिच कर रही हूँ, तुम्हें जो सा करना वो कर दो। दीदी ये क्या है? सिंपल ही है, ये फ्रॉक लग रही है मुझे, बहुत सारा कपड़ा है, शायद फ्रॉक ही है ना। ये कलियां सी तो दिख रही है यार, तो ये कलियों वाला प्लाजो है क्योंकि। अच्छा ये कलियों वाला प्लाजो? हाँ, कली वाला प्लाजो भी है और साथ में इसमें ये है सब वी वाला पैटर्न भी है। हाँ, कंगूरे बनेंगे। वो वाला प्लाजो है। तो ये मैंने इसलिए रख दिया प्रीत, मैंने बताया उसको घड़ी बना के रखूंगी और फिर उसमें ऐसी सलवटे सलवटे हो जाएंगी, मैंने कहा अभी देखो कितना अच्छा सीधा है, इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। मैंने कहा मुझे ही तो स्ट्रेच करना है। और फिर बार बार प्रेस करो तो फिर और टाइम वेस्ट होता है। हाँ, इसीलिए मैंने इसको सीधा ही रख दिया था ना। कितनी कलियां आई हैं? 14 है शायद, 12, 13 and 14। 14 कली का प्लाजो है ना? हाँ, साथ साथ आई दोनों पैरों में बेल्ट है। देखो प्रीत 15 कली हो रही थी तो मैंने कहा देखो 15 का तो कोई हिसाब ही नहीं बैठ पाएगा। हाँ, क्योंकि दो पैर है हमारा बराबर होना चाहिए। हाँ, एक कम ज्यादा, तो मैंने कहा है ना एक पट्टी उठा लेती हूँ पहले ही उसको है ना, ऐसा कली में कपड़ा वेस्ट नहीं करती हूँ। एक कपड़ा पट्टी है ना। हाँ, तो एक मैंने हटा ली, मैंने कहा इसी का देखो नेफा लग जाएगा ऊपर। सही है, परफेक्ट दिमाग तो है दीदी, ये बात तो मानना पड़ेगा। दिमाग नहीं होता तो बुटीक 10-11 साल से चला लेती थी। ये मत उठाओ प्रीति, इसमें बहुत काम है। ये फ्रिल वाला दुपट्टा बनेगा। फ्रिल वाला दुपट्टा कैसे? ऐसी नेट की फ्रिल लगेगी उसपे। बोला तुम मत उठा तो मैं ऐसे करके रख दी, मैंने पता नहीं ये कितना काम होना है। और वो जो उधर कपड़े रखे वो भी सब काम वाले ही हैं, बस ये यहीं पर रखे, ये सिंपल कपड़े हैं। फिर तुमको नींद तो आ रही है यार, तुम कपड़े उठा के ले जा रही हो। और हाँ ये क्या चीज है? और ये मत उठाओ ना उधर वाले कपड़े, इनमें सब में कुछ ना कुछ डिजाइन है। ये प्लाजो है तो सिंपल कपड़े बनाओ, ये सिंपल पकड़ो, उसके बाद ये वाला सिंपल पकड़ो है ना, इसके बाद ये वाला सिंपल पकड़ो। तो 25 कपड़े सिल दूंगी क्या इतने जल्दी? हाँ, अब तो मैं बोल रही हूँ लाओ 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 दो कपड़े दो मुझे, जितने कपड़े हो सकते हैं उतने दे दो, मैं सब सिल के रख दूंगी। ऐसा नहीं बोला तुमने कि लाओ जितने कपड़े सब मुझे दे दो सिलने के लिए? इसकी किट्टी तो है बातों में लगा रही हूँ।
सब सुनाई देगा यार मुझे। हाँ देखो इसकी गिट्टी है, इसकी गिट्टी कहाँ है, लाओ दो मुझे। सब कपड़ों की दे दें गिट्टी प्रीति। हाँ फ्रेंड्स अभी हमारी फ्रॉक बन गई है, ये देखिए ये वाली फ्रॉक मैंने स्टिच कर दी है और ये इसमें कॉलर वाला नेक था और नीचे भी इसमें लेस लगी हुई है। और इसके साथ है धोती शलवार, तो धोती शलवार हम कल स्टिच करेंगे, आज मैंने सिर्फ यही अकेली स्टिच की है और क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था और थोड़ा मेरा सर भी दुख रहा है, मैंने कम सोया था, मैंने आप सभी को बताया था, तो इसलिए मैं तो अभी ना इसको उठा कर रखती हूँ, बाकी कपड़े मैं कल स्टिच कर लूंगी। खाना वगैरह मैंने सब कुछ खा लिया है और आप सबसे मिलेंगे कल। फ्रेंड्स अभी हो चुका है नेक्स्ट और अभी हमारी लाइव क्लास एंड हुई, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ कि आज हमने कौन सी ड्रेस बनाई है। तो देखिए ये वाली ड्रेस हमने आज बनाई थी। गुड़िया यार तुम दिखाओ ना, तुमने इसको उतार भी दिया। पता है फ्रेंड्स मैं नीचे पानी वानी पीने लगी, कुछ कुछ काम करने लगी, जब तक हमारी गुड़िया चली तो इसने ये ड्रेस उतार ही दी। दीदी मुझे थोड़ी देर पता था आपको ब्लॉग में दिखाना है, मैंने। अरे यार गुड़िया तो पता है मैंने सोचा पहले पानी पी आती हूँ तभी तो दिखाऊंगी फिर आके आराम से। हाँ तो दीदी पानी पीने के लिए चली गई और मैंने ना सबको दिखा दी थी लाइव क्लास में। हाँ और उसके बाद फिर मैंने छोटी अली दीदी से पूछा कि इसको निकाल दूं, अब तो कुछ नहीं है, दोनों ने बोला हाँ ठीक है, तो बस मैंने जाके निकाल दी। मुझे क्या पता इनको ब्लॉग में भी दिखाना है, तो दिखा दो यार सब लोग। दीदी मैंने ना रील बनाई थी इसकी, तो आप वो दिखा उसमें दिखा देना ना, अभी दीदी ना रील लगा लेंगी इसकी ना। हाँ फिर भी एक बार ऐसे भी दिखा दो और मैं रील भी लगा देती हूँ। हाँ ये है पूरी एक कोने वाली फ्रॉक, आपको रील में थोड़ी अच्छे से दिख जाएगी क्योंकि दीदी ने दिखाई पहने हुई थी ना। हाँ, जब पहने हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है पहने में, और मुझे तो इसकी फिटिंग ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। हाँ, और इसके नेक कितने अच्छे थे, एकदम चिपके हुए, बिल्कुल हाँ परफेक्ट बिल्कुल फिटिंग के। और जिसने भी इसको नहीं दिखा है ना जाके फटाफट से जाके देख लो आप, इसको मैंने कटिंग करना ही बताया है अच्छे से और प्रीति ने इसको स्टिचिंग करना ही बताया है। और ये वाली जो हमने लाइव क्लास ली है, हाँ, तो अभी तो हमने लाइव ले ली है लेकिन आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी से जाओ ऐप को डाउनलोड कर लो और देख लो ये वाली क्लास। हाँ दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप, हाँ प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है इसको। करने लगी क्या काम चल रहा है तुम्हारा ये? दीदी मैं ना मेरी ड्रेस बन रही है एक रेड कलर की, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया से फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि पहले इससे हाँ इससे हाँ और ये मेरा नहीं है, ये तो ध्रुव का है। अच्छा हाँ। तुम भी मैकेनिक गिरी सीख गई मतलब की? अरे नहीं दीदी पता है मतलब मैं पहले वैसे वाले फ्लावर बना रही थी, वो वैसे वाले बनते हैं ना जैसे मैंने अभी उस वाले ड्रेस में बनाए थे, वो फ्लावर वाले। अच्छा वो नेट से? हाँ, हाँ तो मैं पहले वैसे वाले बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि मतलब कुछ अलग ट्राई करना चाहिए और उसमें उस टाइप के थे भी नहीं, उसमें इसी टाइप के थे। हाँ। तो पहले मैं सोच रही थी यार ये तो कैया से बनेंगे वैसे करके कट करके, तो वो तो अपने पास है ही नहीं, तो फिर मैंने मतलब दीदी से बोला कि दीदी अपने पास वो कैया नहीं है क्या, तो दीदी बोलने लगी ध्रुव के पास है, तो फिर मैंने उससे आके पूछा तो वो बोलने लगा हाँ मेरे पास है तो लेकिन पता नहीं उससे फ्लावर बनेंगे नहीं, फिर हम लोगों ने ट्राई करके देखा तो उससे बन गए और बहुत ही अच्छे बने। दीदी देखो ये कितने सारे बना लिए। अरे वाह यार। हाँ, पहले हमने ना इनके जैसा एक पेपर कट किया इस टाइप का। हाँ, अब तो फट भी गए सब, मैंने बहुत सारे बना लिए ना। हाँ, ये बहुत सारे कट। हाँ, किए थे गुड़िया। फिर हमने ना इस टाइप से इसको बना लिया ऐसे करके। अच्छा ऐसे पेपर रखती हो सैंपल के लिए और फिर इसको ऊपर से इसको फेर देती हूँ ना। हाँ तो इस टाइप से हम बना रहे हैं ना, तो बहुत ही आसानी से बन गए ये। और वैसे एक और भी ट्रिक है इनको बनाने के लिए, पहले अपन ने पेपर कट कर लिया, पेपर के बाद फिर कपड़ा कट कर लिया और कपड़ा कट करने के बाद वो मोमबत्ती से पिलगा लो, मोमबत्ती से पिलगा लो उसको, लेकिन पर पता है डबल डबल मेहनत लग जाएगी। अरे डबल नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। अच्छा इसमें सही है, देखो सैंपल रखो और उसी के नाप से इसको काटते जाओ। हाँ तो ये ना बहुत ही तो कट भी गया और उसके साथ साथ ये पिघल भी गया। हाँ तो ये अच्छा ना बहुत जल्दी भी बन रहे हैं और बहुत इजी है इससे बनाना। अभी हमारी गुड़िया आपको एक बना के भी दिखा देती है। हाँ ये देखो मैं बना के भी दिखा रही हूँ। पर गुड़िया ये सबके पास नहीं होगा ना यार, तो वो तो मिल जाता है ना दीदी मार्केट में, और वैसे भी वो तो जरूरत पड़ती है ऐसे अगर फ्लावर वगैरह अपन बनाओ तो। ये तो खैर सही बात है, एक आध बनाना हो तो फिर बात अलग रहती है। हाँ आप किसी को नई नई ड्रेसेस बनाना है तो फिर ये तो चाहिए ही। टाइम से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हाँ बहुत सारे बना लिए। तुम्हारी ड्रेस कब तक बनेगी गुड़िया? मेरी ड्रेस दीदी बन चुकी है, बस उसमें फ्लावर लगने बाकी है। अच्छा। तो अभी शायद मैं आज ही उसको वेयर भी करूंगी, तो आप लोग देख लेना, और नहीं किया तो फिर मैं कल कर लूंगी। हाँ ठीक है, अभी देख जब भी करेंगी तब दिखा देंगे, लगा के देखती हूँ, अगर आज लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल लगाएंगे। और क्या इसको तो पता नहीं क्या क्या नई 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 चीजें सोचती रहती है, अभी फ्लावर बनाने बैठ गई कुछ नहीं तो। और इसको दीदी ऐसे मत उठाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, कब से बनाया। हाँ बिचारी गुड़िया बहुत मेहनत की। शानदार ड्रेस बनाई मैंने रेड कलर। हाँ तो उसके सब लोग देखते ही रह जाएंगे गुड़िया।
हाँ गुड़िया ने बोला कुछ और भी देखेंगे, मेरी ड्रेस ही तोड़ देंगे। फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ ये सारा की अम्मी कपड़े गाउन सिलवाने के लिए। सारा और सारा की अम्मी कैसा लग रहा है सारा घर पे आके फर्स्ट टाइम? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हम लोगों को भी मतलब लगता था कि कोई अगर अच्छा बोल देता है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है, अच्छा बना लिया, अपनी मेहनत सफल हो गई। प्रीतम ने घर नहीं देखा उनका, नहीं देखा दीदी, मैं थोड़ी गई हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना ठीक है दीदी। अच्छा ये वाला गाउन स्टिच करवाना है सारा को? अच्छा लग रहा है दीदी, सुंदर है फैब्रिक। हाँ फैब्रिक तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। जब उन्होंने फोन लगाया जब वो बोल रहे हैं कि कपड़े सिलवाना है तो मैंने उनसे बोल दिया कि अभी हमने कपड़े बनाना बंद कर दिया है, हम किसी कपड़े नहीं ले रहे। तो बोलने लगी तुम किसी के कपड़े भले ही मत बनाओ लेकिन हमारे सारा की गाउन जरूर बना देना। वो कहने लगी कि उसको कहीं और भी पसंद नहीं आएगी तो भी बनाओ उसकी गाउन। तो हाँ सही बात है, वो उसने कहीं स्टिच नहीं करवाया ना, ज्यादातर वो अपन वहीं से करवा के लाती है मुंबई से। हाँ या फिर वो अपन से करवाती है। हाँ बस यही चीज है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम ही बना दो क्योंकि किसी और से बनवाएगी ना वो तो उसको पसंद ही नहीं आएगी, फिर उसका त्योहार भी खराब हो जाएगा, उसका मूड भी खराब हो जाएगा। हाँ सही बात है। जल्दी खाना खाओ, बुला लो सबकी, लाना इतनी देर हो रही है। मम पूजा कर रहे हैं हम पूजा कर रहे थे। मम्मी आपने पूरी वगैरह क्यों बना रही हो? क्योंकि देर नहीं हो, जल्दी खाना बन जाए इसीलिए पूरी जल्दी बन जाती है। अच्छा हाँ वो बनाना है गुजा पपड़ी। हाँ जल्दी जल्दी बुलाओ, जल्दी खाना खा के जल्दी फ्री हो सब। गुजा भरने वाला कसार बन गया। बन गया? हाँ अरे वाह। पता है फ्रेंड्स कल होली है तो अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनाया तो आज ही बनाना है हमको सभी। हाँ, सभी चीज हम आज बनाने क्लास चलती है इनकी, व्यस्त रहती है इन्हें टाइम ही नहीं मिलता। हाँ चलो मम्मी अभी हल बुला के लेके आती हूँ, भूख रीति गुड़िया ऊपर ही है। रीति गुड़िया तुम लोगों का क्या काम चल रहा है यहाँ पर? देखो मेरे ड्रेस के ऊपर ही नेल पेंट लगा लिया दीदी उसने। ड्रेस पे भी फैला दिया क्या? नहीं फैलाया नहीं दीदी, वो ऐसे चिपक गए थे इससे। अच्छा उसके रुए से ना? आज मेरी ड्रेस में ना इतना घेर है दीदी, इतना घेर है कि आप पकड़ के और ऐसे पूरा कर दूंगी ना उसको तब भी वो खत्म नहीं होगा। अच्छा अभी अभी तुम्हारी ड्रेस में कब कम घेर रहता है यहाँ? पेंट लगा लूँ फिर इसके बाद ना ये सूख जाएगी, फिर मैं आपको पूरी ड्रेस ऐसे करके। हाँ बाद में लगाना नेल पेंट वगैरह क्योंकि मम्मी ने बुलाया है खाना खाने के लिए जल्दी। अब जाओ ना यार तुम लोग खाना खा के आना। और हाँ मम्मी चिल्लाए और इसको नहीं खाना खाना? नहीं मैं अभी नहीं खा रही, मैं बाद में खाऊंगी। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने खाना तो खा लिया है और अब मैं आपको मैंने भी खा लिया है यहीं बैठ के, मैंने तो ला के दिया था इसको। हाँ। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया है और अभी मैं सोच रही थी आप लोगों को गुड़िया की ड्रेस भी दिखा देती हूँ। गुड़िया ने कैसी ड्रेस बनाई और गुड़िया ने इस बार ना किसी की भी हेल्प नहीं ली, पूरी ड्रेस खुद ने अकेली नहीं बनाई है और मुझे तो पता ही नहीं चला था कि गुड़िया ने ये ड्रेस कब बना ली। पिछले बार भी मैंने खुद नहीं बनाई। हाँ वो पिंक वाली ड्रेस भी गुड़िया ने बिल्कुल किसी से कोई भी मदद नहीं ली, खुद ही ने बना ली अकेली, क्योंकि इन लोगों के पास आजकल टाइम ही कहाँ है भाई मेरे को देने के लिए। हाँ गुड़िया क्योंकि थोड़े से हम लोग ज्यादा व्यस्त हैं अभी इसलिए। और अब ना तुम लोग ऐसे व्यस्त ही रहने वाली हो। हाँ इसलिए गुड़िया ने सोचा मैं अपना काम खुद ही करना चालू कर दूँ। और पता है दीदी गुड़िया के सामने ना तुम बिल्कुल इतनी छोटी सी दिख रही हो, इतनी बड़ी बड़ी हिल बहन नहीं, इतनी लंबी हो गई हूँ। ए चुप रे, मैं दुस्त लंबी हो गई। देख मैं कहाँ हुई हो, देख मैं पैर ऊंच भी कर रही हूँ, हाथ कर लिए देख मैं इतनी लंबी। अगर मैंने अपने बालों को खड़ा कर दिया ना तो मैं कितनी, बाल भी बड़े बड़े हैं, हाइट भी बड़ी हो गई है। फिर अपन दोनों छोटी रह जाएगी, अपन दोनों छोटी बहन बन जाते हैं और इसको ही बड़ी बहन बना देते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं बनना पड़ेगा, इसी से करवाएंगे। अरे फिर मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, मैं तो छोटी अच्छी, इसलिए तो बोला मैंने तुरंत। हाँ हाँ ठीक है भाई, सारा काम मैं किसी से करवा, मैं तो छोटी अच्छी हूँ, देखो मेरी हाइट कितनी कम है। मैं तो छोटी जल्दी इसकी कम हो गई, काम करने की बारी आती ना तो कम हो जाती गुड़िया फिर हाइट। चलो अभी जल्दी से इसकी ड्रेस और दिखाते हैं। हाँ ड्रेस दिखा दो मैं। गुड़िया ऐसा नहीं लग रहा ये गाउन तुमने ज्यादा लंबी बना ली हो? नहीं दीदी आलिया भट्टे भी इतनी लंबी पहनी है कि वो झाड़ू नहीं लगाई थी तो जो मेरी ड्रेस है ना वो झाड़ू लगा देगी। तो ये फ्लावर ऐसे इसने शोल्डर पर लगाए ना? हाँ शोल्डर पे यहाँ पे भी लगाई थी, सब में लगा ली मैंने। हाँ तभी अच्छी लगने लगी। नहीं मैं वैसे भी अच्छी लग रही है, कपड़ा भी अच्छा है और तुमने डिजाइन भी अच्छी बनाई है। सेम आलिया भट्टे ऐसी लग रही है, उसका लुक भी मुझे सेम ही दिख रहा है दीदी इसका। ऐसी कौन सी ड्रेस है दीदी जो अभी तक मैंने सेम नहीं बनाई? ऐसी कौन सी ड्रेस है यार गुड़िया ने जो सेम नहीं बनाई है?
सेलिब्रिटी बनाई हो फिर वो सेम नहीं बनी हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब अपन बनाई सेम तो सेम ही बनेगी ना वो तो। कपड़ा भी सेम लेके आते हैं। हाँ कपड़ा भी सेम ला रहे हैं, ड्रेस भी सेम बनाएंगे, डिजाइन भी सेम बनाएंगे। अब अगर दीदी आज की जो ड्रेस है ना वो बिल्कुल एकदम टू कॉपी लग रही है। पता है लेकिन आलिया भट्ट वाली ड्रेस होती है, पिछली वाली जो सबसे फर्स्ट चैलेंज जो मैंने किया था ना वो भी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बनी पर ये वाली भी बिल्कुल सेम टू सेम बनी है और लग भी बिल्कुल सेम टू सेम रही है और मतलब लुक भी बिल्कुल सेम लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। हाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।